हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन विद टीके। हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर के मैन्यूअल फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसलिए पहला क्वेश्चन आपका, डाई अमोनिया फॉस्फेट में फॉस्फोरस का प्रतिशत होता है 20%, 25%, 46%, 50%। इसका सही आंसर है 46%। दूसरा क्वेश्चन है, वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में मिलता है, इसका सही आंसर है यूरिया। तीसरा क्वेश्चन है, अधिकतर पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड। इसका सही आंसर है नाइट्रेट। चौथा क्वेश्चन है, रॉक फास्फेट है, इसका सही आंसर है जल विलेय फास्फोरस उर्वरक। पांचवा क्वेश्चन, अमीनो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक है अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। इसका सही आंसर है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिप्सम युक्त फास्फेट उर्वरक है डाई अमोनियम फास्फेट, यूरिया फास्फेट, नाइट्रो फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस, मुर्गी की खाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं, अन्न वाली फसलों में, दलहनी फसलों में, तिलहनी फसलों में, रेसे वाली फसलों में। इसका सही आंसर है आपका दलहनी फसलों में, कंपोस्ट है। मोटा खाद, सांद्र खाद, हरी खाद, जैविक उर्वरक। इसका सही आंसर है मोटा खाद। यदि मरकरी का स्नातक अचानक गिर जाता है तो अधिक गर्मी होती है, तूफानी दशा होती है, भारी वर्षा होती है, स्वच्छ मौसम होता है, तूफानी दशा होती है। इसका सही आंसर है तूफानी दशा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जायद मक्का के लिए संस्तुत उर्वरक एनपीके की मात्रा होती है 100:50 एनपीके प्रति हेक्टेयर, 30:40 एनपीके प्रति हेक्टेयर, 120:60 इसका सही आंसर आपका 100:50 एनपीके प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे पोषक तत्व जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है कहलाते हैं मुख्य तत्व, उर्वरक तत्व, सूक्ष्म तत्व, निष्क्रिय। इसका सही आंसर है आपका मुख्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्राथमिक तत्व हवा या पानी से प्राप्त होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कार्बन, फास्फोरस। इसका सही आंसर है आपका कार्बन। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व को भूमि खाद से प्राप्त होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका सही आंसर है आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा द्वितीय पोषक तत्व की श्रेणी में आता है, सल्फर, पोटेशियम, कार्बन, ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे पोषक तत्व जिनकी अल्प मात्रा पौधों के लिए आवश्यक होती है कहलाते हैं प्राथमिक तत्व, द्वितीयक तत्व, सूक्ष्म तत्व। इसका सही आंसर है आपका सूक्ष्म तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा द्वारा पौधों को उनके सभी पोषक आवश्यक पोषक तत्वों को प्राण अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता को कहते हैं, मृदा उर्वरता, मृदा उत्पादकता, सूक्ष्म तत्व। इसका सही आंसर है आपका सूक्ष्म तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष प्रबंध कार्यक्रम के तहत मृदा की पौधा उत्पादन क्षमता को कहते हैं, मृदा पोषकता, मृदा उत्पादकता, मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता। इसका सही आंसर है आपका मृदा उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी क्रिया भूमि में पोषक तत्वों के ह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं है, यौगिकीकरण, विनाइट्रीकरण, निचालन, रिग्रेडेशन। इसका सही आंसर है आपका रिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है, क्लोरीन, गंधक, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसका सही आंसर है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन किस रूप में पौधों को उपलब्ध होता है, मोनोफॉस्फेट, अमोनिया, हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर है आपका अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा पोषक तत्व प्रकृति में असंयुक्त रूप में उपलब्ध होता है, फास्फोरस, सल्फर, लोहा, मैग्नीज। इसका सही आंसर है आपका लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन निम्न में से किस रूप में पौधों को उपलब्ध होता है, संयुक्त रूप में, असंयुक्त रूप में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका असंयुक्त रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम प्रकृति में किस रूप में उपलब्ध होता है, संयुक्त रूप में, असंयुक्त रूप में, दोनों में, इनमें कोई नहीं, असंयुक्त रूप में। सही आंसर है आपका संयुक्त रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम प्रकृति में किस रूप में उपलब्ध होता है, संयुक्त रूप में, असंयुक्त रूप में, दोनों रूपों में, कोई नहीं, असंयुक्त रूप में। सही आंसर है आपका असंयुक्त रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन फास्फोरस के रूप नहीं है? ट्रानोफास्फेट, डाइफास्फेट, ट्राइफास्फेट, हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर आपका ट्राइफास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे सभी पदार्थ जो भूमि के कुछ दोषों को दूर करके फसल उगाने की क्षमता में वृद्धि करते हैं कहलाते हैं उर्वरक, भूमि सुधारक, जैव उर्वरक, खाद। इसका सही आंसर है आपका जैव उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फसल की उपज बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं को बीजोपचार के द्वारा भूमि में मिला दिया जाता है जो वायवीय नाइट्रोजन या भूमि में उपस्थित अनुपलब्ध पोषकों ए जैव उर्वरक, खाद, यौगिक उर्वरक, इनमें से कोई। इसका सही आंसर है आपका खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय भूमि में भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होता है चूना, नाइट्रेट, खलियां, हरी खाद। इसका सही आंसर है आपका हरी खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उफरीली, छारी व लबड़ी मृदा में भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होता है कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, जिप्सम पायरेट, यूरिया। इसका सही आंसर है आपका कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नाइट्रोजन मुक्त उर्वरक नहीं है? अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया। इसका सही आंसर है आपका सुपरफास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनपीके उर्वरक मिश्रण है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, अमोनियम फास्फोरस, सल्फर, फास्फेट, पोटाश, कैल्शियम, इनमें से कोई। इसका सही आंसर है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन एनपीआर का उदाहरण नहीं है? सुफला, नाइट्रोफोस, अगोफोस, काइनाइट। इसका सही आंसर है आपका काइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काइनाइट KCl MgSO3HO कब बना होता है? नाइट्रोजन व फास्फोरस से, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट से, कैल्शियम साइनेमाइड व फास्फोरस, मैग्नीशियम सल्फेट व ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है आपका पोटेशियम क्लोराइड व मैग्नीशियम सल्फेट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारखानों में यूरिया बनाते समय तरल पदार्थ को ठोस रूप में लाने के लिए काफ़ी ऊंचाई से नीचे डाला जाता है जिससे हवा द्वारा बड़ा दाना हो जाता है, उसे कहते हैं ए प्रिल्ड यूरिया, बायूरेट, कैल्शियम साइनेमाइड, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ही आंसर है प्रिल्ड यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपवर्क स्लज उदाहरण है हल्की कार्बनिक खाद, बारीक कार्बनिक खाद, अजैविक खाद, फास्फोरस युक्त उर्वरक का। यह है आपका बारीक कार्बनिक खाद, सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपोस्ट निम्न में से किस खाद की श्रेणी में आता है? बारीक कार्बनिक खाद, हल्की कार्बनिक खाद, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, पोटेशियम पोटासिक उर्वरक। इसका सही आंसर है आपका बारीक कार्बनिक खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोबर की खाद निम्न में से किस खाद की श्रेणी में आता है? गोबर की खाद, पोटासिक उर्वरक, यौगिक उर्वरक, भारी कार्बनिक खाद, हल्की कार्बनिक खाद। इसका सही आंसर है आपका भारी कार्बनिक खाद में आता है गोबर की खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलियां निम्न में से किस तरह का खाद है? हल्की कार्बनिक खाद, भारी कार्बनिक खाद, यौगिक उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक, हल्की कार्बनिक खाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुफला उदाहरण है एनपीके के उर्वरक का, हल्की कार्बनिक खाद का, नाइट्रोजन उर्वरक का, पोटासिक उर्वरक का। इसका सही आंसर है आपका एनपीके उर्वरक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको उदाहरण है कार्बनिक खाद का, पोटासिक उर्वरक का, नाइट्रोजन उर्वरक का, एनपीके उर्वरक का। इसका सही आंसर है आपका एनपीके उर्वरक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरिया उदाहरण है जैविक नाइट्रोजन उर्वरक का, द्रव उर्वरक का, द्रव खाद का, इनमें से कोई नहीं। ये इसका सही आंसर है आपका जैविक नाइट्रोजन उर्वरक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन, कार्बन एवं जीवाणु संयुक्त होते हैं कहलाते हैं कार्बनिक खाद, द्रव उर्वरक, जैविक नाइट्रोजन उर्वरक। इसका सही आंसर है आपका जैविक नाइट्रोजन उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, म्यूरेट ऑफ पोटाश, पोटेशियम क्लोराइड किस तरह का उर्वरक है? पोटासिक उर्वरक, एनपीके उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक, द्रव उर्वरक। इसका सही आंसर है आपका पोटासिक उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बनिक खादों का प्रभाव भूमि में डालने पर लगभग कितने समय तक रहता है? 2 से 3 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 6 मास से 1 वर्ष, 8 से 10 वर्ष। इसका सही आंसर है आपका 2 से 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बनिक खादों का प्रयोग फसल की बुआई से कितना समय पूर्व करना श्रेयस्कर है? 6 मास पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, 1 से 1.5 माह पूर्व, 1 से 2 दिन पूर्व। इसका सही आंसर है आपका 1 से 1.5 माह पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खाद के प्रयोग से सीआईएन रेशन संतुलित रहता है? कार्बनिक, एनपीके, नाइट्रोजन उर्वरक, पोटासिक। इसका सही आंसर है आपका कार्बनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोबर की खाद में कितना % नाइट्रोजन होता है? 0.4 से 0.5%, 3 से 4%, 5 से 7%, 8 से 3%। इसका सही आंसर है आपका 0.4 से 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपोस्ट में कितना % नाइट्रोजन उपलब्ध होता है? 1 से 2, 3 से 5%, 1 से 2%, 0.5 से 0.6%, 7 से 10%। इसका
सही आंसर आपका 0.5 से 0.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंपोस्ट में फास्फोरस की प्रतिशत उपलब्धता है होती है 5.5%, 4.5%, 3.5%, 1.5%। इसका सही आंसर है 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपोस्ट में पोटास की प्रतिशत उपलब्धता होती है 2.3%, 3.3%, 4.3%, 5.3%। इसका सही आंसर है आपका 2.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोबर खाद में कितनी फास्फोरस प्रतिशत फास्फोरस उपलब्ध होती है 1%, 0.5%, 0.25%। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 0.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोबर खाद से कितना प्रतिशत पोटास प्राप्त होता है 2%, 1.5%, 1%, 0.5%। इसका सही आंसर है आपका 0.5% अर्थात 0.5%। वर्मी कंपोस्ट से कितना प्रतिशत नाइट्रोजन प्राप्त होता है 5 से 10%, 10 से 15%, 1.2 से 1.6%। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका 1.2 से 1.6%। वर्मी कंपोस्ट से कितना प्रतिशत फास्फोरस प्राप्त होता है 26%, 1.8 से 2%, 3.7 से 8.5%, 9.4 से 10.7%। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका 1.8 से 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्मी कंपोस्ट से कितना प्रतिशत पोटास प्राप्त होता है 0.5 से 0.75%, 1.5 से 2%, 1.5 से 2.5%, 3.5 से 4.5%, 5.5 से 6.5%। इसका सही आंसर है 0.5 से 0.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है। इसका सही है ये 56%, 46%, 36%। इसका सही आंसर है आपका 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महुआ की खली में नाइट्रोजन फास्फोरस व पोटास की क्रमशः प्रतिशत उपलब्धता होती है। इसका सही आंसर है आपका 2.51%, 0.8, 6.85%। सी नंबर सही है आपका। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महुआ की खली में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है 8%, 7%, 4%। इसका सही आंसर है आपका, नहीं इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महुआ की खली में कितने % पोटास होता है 3.85%, 2.85%, 1.85%। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका सी, 1.85%। नीम की खली में कितना % नाइट्रोजन होता है 5.22%, 8.22%, 10.22%, 12.22%। इसका सही आंसर है आपका 5.22%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीम की खली में कितने % फास्फोरस होता है 1.08%, 2.08%, 2.48%, 4.08%। इसका सही आंसर है आपका 1.08%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीम की खली में कितने % पोटास होता है 0.48%, 1.48%, 2.48%, 3.48%। इसका सही आंसर है आपका 1.48%। नेक्स्ट है आपका, मूंगफली की खली में कितने % पोटास होता है 0.33%, 1.33%, 2.33%, 3.33%। इसका सही आंसर है आपका 1.33%। तो 20 सही है आपका इसका। कैल्शियम नाइट्रेट में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अमोनियम सल्फेट में कितने % नाइट्रोजन होता है ए है आपका 30.5%, 20.5%, 10.5%, 5%। इसका सही आंसर है आपका 20.5%। नेक्स्ट है आपका, अमोनियम क्लोराइड में कितने % नाइट्रोजन होता है 36%, 26%, 16%, 6%। इसका सही आंसर है आपका 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनहाइड्रस अमोनिया में कितने % नाइट्रोजन होता है 92%, 82%, 72%, 62%। इसका सही आंसर है आपका 82%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अमोनिया घोल में कितने % नाइट्रोजन होता है 20 से 25%, 15 से 20%, 10 से 15%, 5 से 10%। इसका सही आंसर है आपका 20 से 25%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सोडियम नाइट्रेट में कितने % नाइट्रोजन होता है 16%, 12%, 10%। इसका सही आंसर है आपका 16%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कैल्शियम नाइट्रेट में कितने % नाइट्रोजन होता है 20.5%, 15.5%, 10.5%, 5.5%। इसका सही आंसर है आपका 15.5%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में नाइट्रोजन का % भाग है
भाग होता है 3600 से 2600 से 16% 0.6%। इसका सही आंसर है आपका 2600। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अमोनियम नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 33 से 34%, 43 से 44%, 13 से 14%, 23 से 24%। इसका सही आंसर है आपका 33 से 34%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 10%, 20%, 30%, 40%। इसका सही आंसर है 40%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कैल्शियम साइनेमाइड में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 11%, 21%, 31%, 41%। को इसका सही है आपका 21%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हड्डी के चूरे में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? 20 से 25%, 25 से 30%, 30 से 35%, 35 से 40%। इसका सही आंसर है आपका 20 से 25%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, डाई कैल्शियम फास्फेट में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? इसका 34 से 39%, 30 से 32%, 25 से 30%, 10 से 15%। इसका सही आंसर है आपका 34 से 39%। क्वेश्चन नंबर, हड्डी के चूरे में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? 20 से 25%, 25 से 30%, 30 से 35%, 35 से 40%। इसका सही आंसर है आपका 20 से 25%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, डाई कैल्शियम फास्फेट में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? 34 से 39%, 30 से 32%, 25 से 30%, 10 से 15%। इसका सही आंसर है आपका 34 से 39%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितने प्रतिशत पोटेशियम होता है? 90%, 60%, 30%, 10%। इसका सही आंसर है आपका 60%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, काइनाइट में कितने प्रतिशत पोटेशियम होता है? 12 से 16%, 20 से 26%, 30 से 36%, 40 से 36%। इसका सही आंसर 40 से 46%। इसका सही आंसर है 12 से 16%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सल्फेट ऑफ पोटाश का पोटे सल्फेट में कितना प्रतिशत पोटेशियम होता है? 70%, 62%, 48%, 30%। इसका सही आंसर है आपका 48%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जिप्सम में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन विद्यमान होता है? 28.6 से 35.2%, 18.6 से 23.5%, 8.6 से 12.6%। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका 18.6 से 23.5%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जिप्सम में कितना प्रतिशत कैल्शियम होता है? 49.2%, 39.2%, 29.2%, 19.2%। इसका सही आंसर है आपका 29.2%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, डोलोमाइट में कितने प्रतिशत कैल्शियम विद्यमान होता है? 14 से 32.3%, 60.2 से 72.4%, 92.95 से 95%। इसका या तो इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका 14 से 32.3%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, किसा चूना में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा होती है? 90%, 70%, 10%। इसका सही आंसर है आपका 90%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, टेड लाइम COH में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा होती है? 74%, 70%, 54%, 44%, 32%। इसका सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर है आपका सी 54%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्विक लाइम में कितने प्रतिशत कैल्शियम होती है? 91%, 81%, 71%, 61%। इसका सही आंसर है आपका 71%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा होती है 10 से 15%, 18 से 36%, 40 से 45%, 56 से 62%। इसका आंसर है 40 से 45%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, बेसिक स्लेग में कितने प्रतिशत कैल्शियम होता है? 10 से 15%, 15 से 23.9%, 40 से 45%, 56 से 62%। इसका सही आंसर है आपका 15 से 23.9%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, बेसिक स्लेग में कितने प्रतिशत मैग्नीशियम होता है? 1.8 से 9%, 10.8 से 19%, 20.8 से 29%, 30.8 से 39%। इसका सही आंसर है आपका 1.8 से 9%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जिंक सल्फेट में कितने प्रतिशत जस्ता होता है? 11%, 21%, 31%, 41%। इसका सही आंसर है आपका 21%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जिंक सल्फेट में कितना प्रतिशत सल्फर होता है? 8%, 18%, 28%, 38%। इसका सही आंसर है आपका 18%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, वर्षा जल में कितना प्रतिशत मैग्नीशियम विद्यमान होता है? 1.10 से 11.20%, 12 से 21.20%, 17.10 से 25.20%, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका
1.10 से 11.20 बजे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अमोनियम सल्फेट को निम्न में किसके साथ नहीं मिलाया जाता, सुपर फास्फेट, बेसिक स्लैग, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। इसका सही आंसर है आपका बेसिक स्लैग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, DAP के साथ जिंक सल्फेट नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि DAP कीली होकर नत्रजन की उपलब्धता घट जाएगी, फास्फोरस की उपलब्धता घट जाएगी, पोटेशियम की उपलब्धता घट जाएगी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फास्फोरस की उपलब्धता घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट में निम्न में से किसे नहीं मिलाना चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, बेसिक स्लैग। इसका सही आंसर है आपका अमोनियम सल्फेट। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सुपर फास्फेट में निम्न में से किसे नहीं मिलाना चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट। इसका सही आंसर है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, एकीकृत पादप पोषक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न में किस कार्य के लिए नत्रजन जिम्मेदार नहीं है, क्लोरोफिल निर्माण, प्रोटीन निर्माण में सहायता, स्टार्च को बढ़ाना, फसल पकने की अवधि को बढ़ाना। इसका सही आंसर है आपका स्टार्च को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, नत्रजन की कमी से पौधों में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती, कीट लगना, तना पीला पड़ना, दाने व फलों का सिकुड़ना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका कीट लगना। क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।